मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर जनाब मुमताज अहमद खान साहब और मैं मिलकर डिप्टी कमिश्नर साउथ जोन जोशी साहब जो आज ही साउथ जोन का जायज़ा लिए हैं उनसे मुलाकात करके जो बच्चों को गिरफ्तार किया गया था उनकी रिहाई के ताल्लुक से मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर जनाब मुमताज अहमद खान साहब और मैं मिलकर डिप्टी कमिश्नर साउथ जोन जोशी साहब जो आज ही साउथ जोन का जायज़ा लिए हैं से मुलाकात करते हुए जो बच्चों को गिरफ्तार किया गया था उनके रिहाई के तालुक से बात की गई और उन्होंने तयपुन लिया कि हम पूरे बच्चों को वेरीफाई करेंगे एग्जामिन करेंगे जो बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है उनको खेल कूद करेंगे और उनके लिए जवाब देने का उन्होंने तयपुन दिया और हमको तवक है कि बेटों के बच्चों को फौरी रिहा करेंगे अगर उनके पास कुछ ऐसे एविडेंस है जिसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है तो उनका काम है कि उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करें पेश कर दिया तो उन्होंने तयपुन दिया कि दो घंटे के अंदर इसका जवाब हम देंगे। दूसरा मसला ये है कि लाल बाजार के अंदर एक मंदिर की तामीर की जा रही है कोई नई तामीर है पुरानी मंदिर को तामकोटी करके नई बना रहे शटर वटर डाल के तो वहाँ पर 15 दिन से घासी बाजार यूनियन के कुछ अनशोशन एलिमेंट्स आके वो मल्लियालों से पैसों का मुतालबा कर रही 3 लाख रुपये की वरना काम करने नहीं देंगे बल्दिया को जाके कंप्लेंट करें बल्दियालों को जाके काम रुकाए हम बल्दिया के टाउन प्लानिंग के लोगों को बताए कि यहाँ मंजिल पुरानी मंजिल का काम है तो वो अनजान हो गए। उसके बाद पुलिस को आके बोले पुलिस गैर मामूली दिलचस्पी बता के 15 दिन से मंजिल का काम रुका के रखी हुई और ये नहीं बताते कि पुलिस को सीरीज मैटर में कौन इन्वॉल्व है मुसलसिल काम को रुकाया जा रहा है यहाँ पे इसी दिशा के लालच में लाए इंस्पेक्टर चार मीनार को बताए उन्होंने बच्चे ने काम नहीं होना आज इस पार्क पर जाके मलगी का मैं मुआयना किया पुरानी मलगी है उसको दामोजी करके नहीं बना और वहाँ पे इंस्पेक्टर चार मीनार को बुलाया इस पार्क पर मैंने क्या कंप्लेन है आपके तो आसार खदीमा का एक लेटर मुझे बताए जिसकी जीराक्स ने हासिल कर लिया आसार खदीमा को जाके एक लेटर लाए कि ये मलगी तामीर नहीं कर सकते चार मीनार के करीब है जबकि चार मीनार से रूल्स के लिहाज से जो हदूद मुतयन किए गए उस हदूद के बाहर मलगी एक चीज़ दूसरी चीज़ ये नई मलगी ये पुरानी मलगी को दावगोजी कर रही थी आसार खदीमा ने लेटर कैसा दी थी कि वो लेटर इससे पहले भी वो लेटर का हवाला दे के बोले थे 15 दिन पहले लेकिन एक फ्रेश लेटर पहली तारीख 10 तारीख था जनवरी के उसकी कापी मैं हासिल कर लिया हूँ। अब आप गौर कीजिए कि लाल बाजार के अंदर मलगी तामीर होती है तो आसार खदीमा से लेटर ला ले रहे जो ला रहे हैं वो अनसोशल एलिमेंट्स पुलिस को मालूम है नाके के अंदर काम रुका के मलगी वालों की आज धमकियाँ दिए नाके में जब तक पैसे ले देंगे काम करने नहीं देंगे बोलते पुलिस वालों की मौजूदगी में धमकियाँ दिए पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती बहरहाल आसार खदीमा का लेटर की हार बना के पुलिस जाके वो काम रुकाई है अभी डिप्टी कमिश्नर साहब को आसार खदीमा के लेटर की कापी दिए हमारा मुतालबा है नए डीसीपी साहब से कि वो इस पर वेरीफाई करें इंक्वायरी करें हमारे जो शिकायत है कि जो अनसोशल एलिमेंट्स पैसे मिल रहे एरिए में उनके ऊपर एक्शन लीजिए केस रजिस्टर कीजिए और ये आसार खदीमा के रूल्स रूल्स के खिलाफ ही लेटर है उसको पूरा वेरीफाई कीजिए क्योंकि वहाँ के ये जो गरीब चिल्ड्रन की दुकान वाले हैं उनके काम को जारी रखाइए क्योंकि दुकान का नाम भी नहीं है उसमें वो एड्रेस भी गलत है डोर नंबर भी नहीं है बगैर उसके पुलिस जितनी एक्टिव हो गई 15-15 जहाँ ना जाके उन दुकान वालों को उठा के ला ले रहे लाके बिठा दे रहे हैं घंटे बहरहाल लेडीज भी साहब से हमको तवक्को है कि वो जस्टिस करेंगे इंसाफ करेंगे और अपना एतमाद यहाँ पर कायम करेंगे शुक्रिया। और दूसरा जो है एक्सेसिबिलिटी जो है
को इस बात दिलाना चाह रहे हैं कि दिलाना चाहते हैं अपनी तरफ से कि जो है पुलिस हमेशा उनके लिए है, कभी भी झिझकी नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं है पुलिस के पास, कोई भी बात नहीं है।